शहर के नवनियुक्त सहायक पुलिस उपाधीक्षक मनीष चौधरी ने बुधवार रात को शहर के सेंदार रोड, जांगेर तथा अजगर बाबा थान के समीप कार्रवाई करते हुए शांति भंग में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बुधवार रात को सहायक पुलिस उपाधीक्षक मनीष चौधरी गश्त पर थे। इस दौरान जब वह जांगेर से गुजर रहे थे, इस दौरान उन्हें कुछ लोग शराब की दुकान के बाहर शराब पीकर उत्पात मचाते नजर आए, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए शाहपुरा मोहल्ला निवासी शेरू पुत्र रामलाल पंवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद चौधरी सेंद्रा रोड अजगर बाबा थान समीप देर रात को शराब की दुकान के बाहर बैठकर शराब का सेवन करने पर कार्रवाई करते हुए सेंद्रा थाना क्षेत्र के मियापुरा निवासी एक बाल पुत्र हैदर काठार को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार होटल राजमेर के समीप देर रात को शराब की दुकान के बाहर बैठकर शराब पीते नंदनगर निवासी हरीश पुत्र मुरलीधर सिंधी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ शांति भंग में मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि गत मंगलवार को सहायक पुलिस उपाधीक्षक मनीष चौधरी ने शराब विक्रेताओं के साथ लेकर उन्हें पाबंद किया था कि यदि शराब की दुकान के बंद होने के समय के बाद भी यदि कोई शराब विक्रेता की दुकान के बाहर बैठकर लोग शराब का सेवन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद भी बुधवार रात को दौरान गश्त चौधरी को शहर के अलग अलग स्थानों पर शराब की दुकानों के बाहर 3 युवक शराब का सेवन करते हुए पाए गए, जिन पर कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस ने शांति भंग में मामला दर्ज किया है।